श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां शिक्षाविदों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में सरस्वती पूजा व विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विधिवत पूजा अर्चना यहां पर की गई। संस्था के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव पूजा में शामिल हुए। ओहे गले मोतिया न माला, ओहे गले मोतिया न माला, ओम जय सरस्वता ज्ञान चक्षुदे माता जगनिस्ता। पूजा के पश्चात जिले के सम्माननीय शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्वागत सम्मान शॉल और श्रीफल देकर किया गया। महोदय जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं ने श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक के प्रयासों की सराहना करते हुए दिल से प्रशंसा की। अरुण श्रीवास्तव जी जो यहां के संस्थापक हैं, हमेशा उनका उद्देश्य रहा है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाएं और निःशुल्क सेवा दें, जो ये आज के वर्तमान स्थिति में बहुत कम जगहों पर मिलता है। और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूशन को हम आगे बढ़ावा दें और हमारे साथ जोड़ के सारे बच्चों को वो मौका प्रदान करें जो वो उनका हक है। और श्रीवास्तव जी का सबको धन्यवाद भी करना चाहिए इस उद्देश्य के लिए। चतुर्भुज मेमोरियल जो फाउंडेशन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और आज बसंत पंचमी नहीं, बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी के रूप में जाना जाता है। और ज्ञान के संवर्धन में जिस तरह से चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन कोर्स का फाउंडेशन का योगदान रहा है, उस योगदान के साथ साथ जहाँ शिक्षा दे रहे हैं उसी के साथ संस्कार भी है। क्योंकि सरस्वती पूजन है, गुरु का सम्मान या गुरु परंपरा का जो निर्वहन है, उस परिवहन के माध्यम से सिर्फ ज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं। और संस्कार और ज्ञान जब दोनों की शिक्षा होती तभी शिक्षा पर पूर्ण मानी जाती है। इसके लिए मैं चतुर्भुज फाउंडेशन को विशेषतः शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ। रुआ बंधा स्कूल से प्रिंसिपल सेवानिवृत्त आचार्य। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि लगातार कोशिश होनी चाहिए कि पढ़ाई और बच्चों के साथ उनका भविष्य, और भविष्य में ट्रेनिंग विभिन्न सब्जेक्ट में चाहिए, ज़रूरी है। IAS वगैरह देना है या PSC देना है। और अगर बच्चों को निःशुल्क मिल जाए तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए ये संस्था अगर कार्य कर रही है तो बहुत अच्छा है। और ये काम होना भी चाहिए लगातार, और हमारी भी आवश्यकता होगी किसी भी समय तो आप हमें भी आमंत्रित कर सकते हैं और हम सेवा देने के लिए आपके साथ तैयार। वही फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव ने भी उद्देश्य बताया। आज श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा बसंत पंचमी का आयोजन किया गया था। यह आयोजन विगत 5 से 7 वर्षों से लगातार हो रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने एक सूक्ष्म रूप में आयोजन किया था। आयोजन करने का प्रयास यह रहता है कि इसके माध्यम से हम न सिर्फ बसंत पंचमी बल्कि इस संस्कार के लोगों को बता सकें कि आज की डेट में न सिर्फ शिक्षा बल्कि शिक्षा के साथ साथ वह संस्कार आवश्यक होते हैं जिससे वो अपनी शिक्षा का उपयोग आगे कर सके। यह संस्था पिछले 15 सालों से और पिछले 5 वर्षों से व्यावसायिक रूप में किंतु निःशुल्क रूप से विभिन्न छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में जाकर निःशुल्क अवसर प्रदान करती है कि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें और उसमें सफल होकर छत्तीसगढ़ में सेवा दें। मैं आपके माध्यम से भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ निवासियों को, छत्तीसगढ़ महतारी को, पूरे भारतवर्ष को इस पर्व की बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे धर्म की शिक्षा, हमारे संस्कारों की शिक्षा न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह हम आपको बता दें कि श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन बीते कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह वर्धन करते हुए शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए जिले व प्रदेश भर में लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना हुआ है। बहरहाल इस विशेष कार्यक्रम में संस्था के लोग बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।